टाइप बेस्ड ऑन शंट फील्ड कनेक्शन। देखिए शंट फील्ड के कनेक्शन की बेस पे इसकी दो टाइप्स होती हैं, लॉन्ग शंट हो गया या शॉर्ट शंट हो गया। शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है कि आर्मेचर के साथ जोड़ के आपने लगाए हुए है शंट वाइंडिंग, ठीक है। शॉर्ट शंट आर्मेचर के साथ जोड़ के आपने शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है, ठीक है, उसका डिस्टेंस शॉर्ट है उसके साथ। इसी तरह लॉन्ग शंट वाइंडिंग, इसका मतलब यह है कि जो पैरेलल वाइंडिंग है वो थोड़ी दूर करके लगाई हुई है आपने। आप इसको अपने याद रखने के लिए लॉन्ग शंट को मतलब यह है कि शंट वाइंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि थोड़े फासले पे लगाई गई है। उस थोड़े फासले पे किस तरह लगाई जा सकती है कि आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के दरमियान में एक सीरीज डिस्टेंस सीरीज वाइंडिंग आ जाती है, ठीक है। शॉर्ट शंट में बिल्कुल साथ जोड़ के आर्मेचर के लगाई जाती है। शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट का मतलब यह है कि शंट बिल्कुल आर्मेचर के साथ जोड़ के लगी हुई, ठीक है। आर्मेचर के साथ जोड़ के लगी हुई है तो इसका मतलब है जो टोटल सप्लाई करंट आ रही है कुछ वही करंट सीरीज वाइंडिंग में से गुजर के आ रही है, जिसकी टर्न्स कम होते हैं और उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है, मोटे मोटे टर्न्स बने होते हैं, ठीक है। वो और वो वाइंडिंग आगे दो हिस्सों में वो करंट आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, कुछ आर्मेचर करंट बन जाती है और कुछ शंट फील्ड की करंट बन जाती है, ठीक है। जो सप्लाइड करंट है वो इक्वल होती है सीरीज वाइंडिंग की करंट की और वो इक्वल होता है आर्मेचर की करंट और शंट की फील्ड की करंट के प्रोडक्ट के। इक्वेशन देखें, जो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है वही लोड की वाइंडिंग है, लोड की करंट है, सॉरी यहां से करंट आ रही है, वो जो लोड से करंट आ रही है वही सीरीज में करंट आ रही है और वो आगे दो हिस्सों में जा रही है, आर्मेचर के अंदर एक शंट करंट, मतलब आर्मेचर और शंट की करंट को आपस में ऐड कर दें तो लोड की करंट बन जाती है। इस तरह अगर वोल्टेज की बात करें तो टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं, आई देखें टोटल वोल्टेज जो है अगर यहां पे वोल्टेज चेक करें तो इसके पहले इसके ड्रॉप ऐड करेंगे आई एस ई इंटू आर एस सी प्लस आई ए आर ए, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस है आई ए आर प्लस इसकी जो बैक ईएमएफ है ई बी, ठीक है, ई बी बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर की रेजिस्टेंस प्लस आई एस ई इंटू आर एस सी, ठीक है। दूसरे तरीके से आई एस एच आर एस एच इस सारे को आई एस एच प्लस आर एस एच से भी रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि यहां हमारा ज्यादातर लग बैक ईएमएफ से होता है तो इसलिए हमने आर्मेचर वाली इक्वेशन लिखी ई प्लस आई आर ए प्लस आई एस ई आर एस, ठीक है। अब देखिए सीरीज फील्ड की वाइंडिंग की जो आई एस ई है वो किसके इक्वल है आई ए प्लस आई एस एच, देखे ना ये वाली जो करंट है वो इक्वल है आई ए प्लस आई एस एच, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आई ए प्लस आई एस एच, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि सीरीज वाइंडिंग की करंट मालूम करना ज्यादा मुश्किल है, आप शंट फील्ड की वाइंडिंग और आर्मेचर की सॉरी शंट फील्ड की और आर्मेचर की करंट फाइंड करना निस्बतन ज्यादा आसान है। लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है, लॉन्ग शंट का मतलब यह है कि शंट जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर है, जब लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर है तो सीरीज वाइंडिंग उसके बीच में आ जाती है, ठीक है। जो टोटल सप्लाई करंट करते हैं वो कुछ शंट करंट में चली जाती है, शंट फील्ड वाली वाइंडिंग में चली जाती है और कुछ सीरीज वाली वाइंडिंग में चली जाती है। जो सीरीज वाली वाइंडिंग में करंट जाती है वही करंट आर्मेचर में से गुजरती है, इसका मतलब आर्मेचर की करंट और सीरीज वाइंडिंग की करंट सेम होती है, ठीक है ना। शॉर्ट शंट में भी, शॉर्ट शंट में क्या था शंट यहां पर लगा हुआ था आगे ना, शॉर्ट शंट में शंट नजदीक लगा हुआ था, लॉन्ग शंट में शंट दूर लगा हुआ, जब शंट दूर लगा हुआ वाइंडिंग दूर लगी हुई है तो ये वाले सीरीज की करंट डायरेक्टली ये इक्वल हो जाएगी आर्मेचर की करंट की, ये ठीक है। आई ए इज इक्वल टू आई एस सी आर्मेचर की करंट के इक्वल हो जाएगी। अब लोड की जो आपने करंट टोटल अप्लाई किया वो क्या है, टोटल शंट फील्ड की करंट के प्लस आर्मेचर की करंट के दोनों के एडिशन के इक्वल है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर वोल्टेज फाइंड करना चाहे तो वोल्टेज इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए ये वाले प्लस यहां पे अगर देखें आई एस एच आई एस ई इंटू आर एस सी, ठीक है। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास शंट फील्ड की करंट हो तो आई एस एच इंटू आर एस एच फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अगर इस वाइंडिंग के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं तो वी इज इक्वल टू आई एस एच आर एस एच फाइंड करेंगे, वही वोल्टेज आपके सप्लाई वोल्टेज होंगे। अब दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे, इसका ड्रॉप फाइंड करेंगे, इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा आई एस सी इंटू आर एस सी,
आर्मेचर की रेजिस्टेंस का ड्रॉप आई ए आर ए आ जाएगा प्लस बैक ईएमएफ का ड्रॉप ई बी आ जाएगा। ई बी आई ए आर ए और आई एस सी आर एस सी को आपस में ऐड करिए।